आसिबा संपूर्ण खबर को राजधानी रे विभत्स हत्याकांड भरतपुर थाना अधीन घाटिकिया अंचल रे घटी हत्याकांड स्त्री को अति विभत्स भावे हत्या करिबा परे दुई झियों को आक्रमण करी गुरुतर आहत करिछि गृहकर्ता तेबे गुरुतर अवस्था रे दुई झियों को हॉस्पिटल रे भर्ती करा जायछि। अभियुक्त को गिरफ करी तदंत चलाइछि पुलिस तेबे हत्याकांड रो कारण अस्पष्ट रहिछि। पुनितरे कहि रखुछु जे भुवनेश्वर रे एक विभत्स हत्याकांड भरतपुर थाना अधीन घाटिकिया अंचल रे घटी हत्याकांड स्त्री को हत्या करिबा परे दुई झियों को आक्रमण करी गुरुतर आहत करिछि गृहकर्ता। गुरुतर अवस्था रे दुई झियों को हॉस्पिटल रे वर्तमान भर्ती करा जायछि। अभियुक्त को गिरफ करी तदंत चलाइछि पुलिस एवं हत्याकांडर कारण एबे भी अस्पष्ट रहिछि। तेबे जहाँ सूचना रहुछि भुवनेश्वर एक विभत्स हत्याकांड घटी राजधानी रे विभत्स हत्याकांड घटिबा परे चांचल्य खेली जाइछि आखपाख अंचल रे कारण भरतपुर थाना अधीन घाटिकिया अंचल रे घटी हत्याकांड। ए संपर्क में अधिक सूचना और आलोचना आम सहित रही प्रतिनिधि दीपक सिदास जोड़ी होती। दीपक घटना रे कौन अधिक तथ्य रोचे आपण पाखे देखु एवं जहाँ खबर मिली पुलिस अभियुक्त जी स्वामी संजय दास को गिरफ्त करी गिरफ्त करने पचराचरा कर प्रथम आम दर्शक मान देखा जो घरे विभत्स हत्याकांड घटी सीधा सड़क चित्र देखा आपड़ जो देखते घाटिकार घर रही गत काली विलंबित रात एक विभत्स हत्याकांड घटी स्वामी निज स्त्री को हत्या करापर पांच वर्ष एक कुनी झी को तर तंटी काटी कुनी झी ए गुरुतर अवस्था एक घर हस्पिटाल भर्ती होती अंपटे घटनास्थल में भरतपुर थाना पुलिस और खंडगढ़ थाना पुलिस पहुंची तदंत आरंभ कर अल्प समय पर घटनास्थल साइंटिफिक टीम पहुँचव ता सहित जब आम कह कहीं एक विभत्स हत्याकांड है हत्याकांड कारण जदिओ एवं सुधा स्पष्ट हो पारे कि एक चांचल्यकर तथ्य सामना को आसी विशेषकर जी कह गत चार दिन ते मृत महिला एक कन्या को शिशु कन्या को जन्म करते तेज एम कौन होता होगला जो निज पत्नी को से हत्या कले घटना पर घटनास्थल में पुलिस पहुंची तदंत तो आरंभ करदियों एवं सुधा स्पष्ट होनी हत्या कारण प्रकृत कारण तथापि तो पुलिस मध्य सन्देह करशा को नहीं हत्याकांड घटी ना या पक्ष आउ कि कारण स्पष्ट होनी प्रथम पूरा चित्र आम देखा जो घरे हत्या कर हत्याकांड घटी घर भितर एवं रक्त पड़ी और मृतदेह घर भितर पड़ रही से घर प्रथम आम भर चित्र देखा चेष्टा करवा घटनास्थल पुलिस अच्छा विशेषकर जदि अभियुक्त स्वामी को पुलिस एवं अटक रखि सारी भरतपुर थाना पुलिस अटक रखि सारी तथापि पुलिस आशा रखी हूँ तो अभियुक्त को पचराउचरा करापर हूँ तो स्पष्ट हो पार जे कहीं से निज पत्नी को हत्या कले निजर पांच वर्ष झीर तंटी काटिले आपड़ जो देखते ये हूँ घर भितर चित्र जो निज पत्नी को हत्या कर विभत्स भाव में स्वामी हत्या करत्या करापर निजर पांच वर्ष कुनी छुआ को तंटी काटी एवं भी घर चटल में रक्त लगी घर भितर मृतदेह पड़ी घटनास्थल में एवं साइंटिफिक टीम आसव नमूना संग्रह कर विशेषकर जदि एवं सुधा पुलिस सन्देह करुच्ची पारिवारिक कलह ना आउ किसी ताद पुलिस सन्देह करथापि अभियुक्त अटक थला बेले अधिक पचराउचरा करापर हूँ तो स्पष्ट हो पार जे कहीं से निज पत्नी को हत्या कले विलंबित रात निज पत्नी को हत्या कले कहीं चार दिन ते एक चार वर्ष एक शिशु कन्या जन्म होती तेरे एमती कौन है जो से निज पत्नी को हत्या कले अनेक किसी प्रश्न एवं सामना को आसी तेज दीपक गोटे कथा जानापी चाहबू जे परिवार जनक संभ्रांत श्रेणी जना पड़ आर्थिक स्थल में स्वच्छल अच्छा कौन घटला कहीं एत बड़ हत्याकांड घटला से संपर्क में किसी जनापड़ी निश्चित भाव में संजीव दास जेकि निज पत्नी को हत्या कर स्टेटस भल अच्छे से घाटिकिया लोकल व्यक्ति जो दुई मला घर देखते से घर तेज एमती कौन है जो से निज पत्नी को हत्या कले जदिओ ता स्पष्ट होनी तेरे पुलिस एवं दुईट कारण को अधिक गुरुत्व दे गोटे हूँ पारिवारिक कलह द्वितीय हूँ चार दिन तेज पुणे एक
कन्या शिशु जन्म हवा कहीं जितेबाला पूर्व एक झील रही पांच वर्ष झील रही पुणी एक झील जन्म हो बोध हुए से बोध हुए स्त्री को हत्या करते नचे जेहेतु से निशाखोर अर्थात से सब निशार था तेणु निशापी ड्रग्स पाई निज पत्नी को हत्या करते कहीं पत्नी होती एक घर हस्पिटाल स्टाफ नर्स तेणु से टंका नहीं निशा खाते बोध हुए पत्नी को टंका मागि पत्नी टंका न दबारु से निज पत्नी को हत्या कर तेणु ए दुईट घटना सामना को आसी अर्थात दुईट दिग सामना को आसी तेणु पुलिस ए दिग को नहीं पुलिस एवं खोलताड़ कर सहित अल्प समय पर साइंटिफिक टीम ये घटनास्थल आसपे आप देखते घर देखते ए स्थान एवं मृत महिला बड़ सर पड़ी एवं विशेषकर से मृतक जदि कह जे तंटी कटाई विभत्स हत्या कराई तेज एवं सुधा स्पष्ट होनी जो हत्याकांड पूरा कारण कहीं से निज पत्नी को हत्या कले स्पष्ट हो पारे तेरे से परिवार जो लोक माने घरे रहुचंती केवल पति पत्नी पिला छुआ रहुतले ना अन्य कोनोसी लोक मध्य से घरे रहुतले देखो तो ए जो घर रही एथिरे से माने स्वामी स्त्री तांकर पांच वर्षर झियो एवं चार दिन तले जन्म होता एक कन्या अर्थात चार जन रुहत तला घरे जो आम कह आम तल को जी जो भाई मान रुहत से भाई रुहत जिते बड़े पुलिस पहुँचला पर लोक पुलिस पचरा उचरा कर सारी तेरे एवं आम बाहर चित्र देखा विशेषकर जदिव बाहर कह घटनास्थल पुलिस अच्छा एवं जदि पूरा कारण जो स्पष्ट होनी तथापि मैडम आप जानी थे चिन्ह थे कौन पाई से कन्फ्यूज मुझे कहीं पैसा पत्र मागि था सी ना जदि से भी झगड़ा हुए सब कि झीटे होता पुणे झीटे देखिक कौन रियाक्ट करते कौन से जाना ना घर फैमिली लोक तो जानी ना आम तो स्टाफ आम कि जान कौना किसी दिन तले एक झील जन्म हो सोमवार मैंने दस तारीख डेट था कि संडे कौन पा लिकेज है लिकेजा फास्ट तो सीजरी सी होता कि यहाँ नर्माल हो मुझे जस्ट खबरटा पाइली मो छुट्टी थी आज अफ थी मोर मुझी मो सांगटा फोन कर दीदी एमती एमती घटना है जान मैं ना सांगे सांगे उठिक आस देह थर शुणी घटना स्टाफ नर्स अच्छा सम हस्पिटा दीर्घ वर्ष हे बर्ष कौन सन्देह कर स्वामी स्त्री मतलब झगड़ा हो झगड़ा तो एमती हूँ सी मोबाइल फोबाइल भांगी दिखती सब कहती कि ड्यूटी जबानी झगड़ा झाटी करेंगे मुझे नहीं कि आसी मुझे देख सी तो किसी शुणु ना झगड़ा झाटी से खाई बर से बसतु किसी कहनी किसी ना तुम अलग सेपरेट रही जाओ भल सहित बिंदु विषय किसी कहनी कहीं सी इनकम करना कहे चेंज ना पाउडरटा जब छड़े पारे क्या जानी सी शुणी परिवर्तन हे नचे तो सी परिवर्तन हे ना सी किसी करती निशा तो खाती पाउडरटा सब खाती निश्चित भाव में आम आलोचना करुले तेरे स्वामी जी अच्छा संजय दास पुलिस जदि एवं अटक रखी तेणु पुलिस पचराचरा कर विशेषकर कहीं निज स्त्री को गत काल रात हत्या कले निज छुआ को पांच वर्ष झीर तंटी काटिले से दिग नहीं पुलिस निश्चित भाव में दीपक आम कहीपर जे राजधानी में एभली एक हत्याकांड घटू जहां पुलिस वर्तमान तदंत करुची एवं प्रकृत कारण जेहेतु वर्तमान सुधा स्पष्ट हो पारिना किंतु जहां आप तथ्य देते जहां साई पड़िसा लोक कहते जे निशा खाइबा जो एभली एक हत्याकांड घटी थाए पारे कहुची तेरे पुलिस कौन कहूँ वर्तमान पुलिस कौन अनुमान करुच्चारिपार्श्विक स्थित को देखापर पुलिस कौन अनुमान करुच्चे निशा खाइबापर एक हत्याकांड घटी ना आउ कौन रही थिला कारण ना पारिवारिक कलह ही मुख्य कारण थिला देख जो घटनास्थल में प्रथम भरतपुर थाना पुलिस परवर्ती मुहूर्त में खंडगिरी थाना पुलिस एवं अल्प समय पूर्व भुवनेश्वर डीसी घटनास्थल में पहुंचते तदंत आरंभ करते विशेषकर जहाँ जमापड़ी कि जो मैंने स्थानीय लोक अच्छा से पुलिस बयान रेकर्ड कर सारी और भाई को मध्य पुलिस पचराचरा कर सारी तेरे यार मध्य दुईट कथा सामना को आसुची गोटे कथा हूँ जे से निशा खाती निशा खाई निज स्त्री को मारधर करती अंपटे से
से 4 दिन तले से मध्ये बापा होइछन्ते अर्थात एकर एक 4 दिन शिशु कन्या जन्म होइछि तबे ए दुईटी कारण पई हुए त एभले एक घटना घटते पारे तबे प्रकृत कारण जदियो पुलिस स्पष्ट करिने तबे स्थानीय लोकंकर बयान एवं जो माने जेतेबेले अभियुक्त एबे अटक अछि ताकु मध्ये एबे पचराच करा हुए तो से ही खोल जे कहीं निज पत्नी को से हत्या कला निज झीर तंटी काटा ता स्पष्ट हो पारे बोली पुलिस आशा रखी। निश्चित भाव में दीपक बहुत बहुत धन्यवाद आपंकर समस्त सूचना और आलोचना प्रतिनिधि दीपक आम सहित सीधा सह जोड़ी होते हैं जहाँ तथ्य देते आमको जे पुलिस वर्तमान संपूर्ण घटनार तदंत करुच्ची स्त्री को हत्या करने झीव को आक्रमण करते अभियुक्त जनक अभियुक्त को वर्तमान पुलिस गिरफ्त कर जमापड़ी और तदंत जारी रखी तेज प्रतीक सिंह डीसीपी प्रतीक सिंह घटनास्थल में पहुंची और छानभिन करते डीसीपी प्रतीक सिंह प्रतिक्रिया कौन आसूची आसतु थे शुणिने जने संजीत दास करी लोक रोचं आर भाई माने मंजीत दास एंड रंजीत दास समस्ते ये घर भितर रोचे गोटे जॉइंट फैमिली हठात दिन समय रे से किसी शब्द शुभगला से माने जब जाए की देखिले तो सरस्वती दास जी की जने नर्स अच्छा जो कि संजीत दास स्त्री हे सी गोटे अनकॉन्शियस अवस्था रे पड़ी अच्छा 6 वर्ष झिया मध्य सी भी इंजर्ड कंडीशन रे अच्छा और सीठ जो संजीत दास अच्छा संजीत दास सीठ फरार और जहाँ जनापड़ी कि संजीत दास एवं जाए जनापड़ी कि रेगुलर निशार ये अभ्यास अच्छी और तंकर किसी सोर्स ऑफ इनकम नहीं जहाँ सरस्वती दास नर्स हिसाब से सब बुझुचं और फर आज को कारण पर कि इश्यू हो जाइए और ये झगड़ा रे एसल्ट और स्वामी ये घटना रु ए मैंने घटनास्थल मैंने प्रेजेंट नहांती और जहाँ परिवार लोक भी कहते कि से ऊपर एसल्ट करी ये घटना घटाई ये इनफॉरमेशन ऊपर आम इन्वेस्टिगेशन चलाऊ आरंभ करुचु आ फर्दर डिटेल्स जहाँ जाना पड़ो जहाँ परिवार लोक कहते से इनफॉरमेशन और आम अन्य जहाँ इन्वेस्टिगेशन जाना पड़ो से अनुसार आम काम कर इंजरी बॉडी रा डिफरेंट पार्ट रे हेछि और जहाँ जाना पड़ू शार्प कटिंग वेपन से इंजरी करा जाइछि आउ फर्दर साइंटिफिक टीम को डका हेछि से माने भी पहुँचुचंती सब डिटेल्स से माने आसी की दे पारिबे। सर वाइफ करो एबे कोन से लीव ना तंग ट्रीटमेंट कोन ये घटना रे घटना स्थल रे वाइफ रा डेथ हे जाइछि परंतु तंकर 6 वर्ष झिया से सम हॉस्पिटल अच्छा अंडर ट्रीटमेंट जहाँ जाना पड़ी से वर्तमान सेफ कंडीशन रे अच्छा और गोटे 4 दिन छुआ से भी सेफ कंडीशन रे अच्छी और तंकर ट्रीटमेंट से झीर 6 वर्ष झिया तार ट्रीटमेंट चलुच नहीं ये सब जना पड़ो इनफर्मेसन आमको दिन बेले आसी जहाँ जना पड़ी जेहेतु गत काली ना डॉक्टर जेहेतु इंजर्ड अच्छी तो यह जाना पड़ी आज दिन घटना अच्छी फर्दर इन्वेस्टिगेशन जाना पड़ी दर्शक बंधु आपने डीसीपी प्रतिक्रिया शुनि पारुथिले वर्तमान पुलिस निजर इन्वेस्टिगेशन बा तदंत प्रक्रिया आगको बढ़ाई एवं अभियुक्त को मध्य पचराउचरा करा जाउची एवं प्रकृत कारण कौन रही से नेकी मध्य पुलिस खोलताड़ करुची सडन प्रोभोगेशन रु आसी हत्या करागला ना अन्य किसी कारण रही से ने पुलिस वर्तमान तदंत जारी रखी। ब्रेक पर स्वागत। बारवाटी टी20 टिकेट टेंशन बारवाटी स्टेडियम रे टिकेट पाई दर्शकों भिड़ अनायत्त हो जाता भिड़ नियंत्रण करने को जाए पुलिस को लाठी चलाइबाक पड़ी आज सका 9 टिकेट काउंटर खोलिबा परे दर्शकों उत्साह देखा मिलता टिकेट नेबा क्रीड़ा प्रेमी लंबा लाइन लगी तेज गतका रातिर टिकेट पाई लंबा लाइन लगे क्रीड़ा प्रेमी
राति अनिद्रा होई टिकेट नेबापई लंबा लाइन देथिले। राति 10टारु टिकेट प्रेमी लंबा लाइन लगाइथिले, तबे दिन बढ़िबा सहित लोकंकर भिड़ भी बढ़ी चलीथिला, फलरे स्टेडियम बाहर भिड़ अनायत हो पड़ीथिला। उभय पुरुष और महिला लाइन में लोके असंभाल भिड़ करथिले। परिस्थिति अनियंत्रित होबारु बाध्य होई पुलिस को मृदु लाठीचाला करबाक पड़ीथिला। आसंता 12 तारीख में भारत और दक्षिण आफ्रिका मध्ये टी20 मैच खेला जिवो। फेवरेट प्लेयर के ना टीम इंडिया को चीयर करे पण आसीबे सर पिन टीम इंडिया चील करे मु तो राती 3टा रु आसी के लाइन कर लेनी मो पाद भी फुली साइलेंट आसी ठे छु बहुत एक्साइटेड अछु देखिया पई हो। भद्रक स्टेट बैंक छकरु 12 लाख टंका लुटी नेले दुर्वृत्त। एक बाइक राशि दुई जन लुटेरा शिक्षकों निकटरु लुटी नेले 12 लाख टंका। दिन प्राय 11:30 बेले आगरपड़ा हाईस्कल शिक्षक अशोक खिलार भद्रक कचेरी बजार स्थित एसबीआई मुख्य शाखु नगद 12 लाख टंका उठाई टंका ब्याग धरी निज गाड़ी पाखक आसुवा बेले दुई जन अजणा युवक एक पल्सर गाड़ी आसी पछरु टंका लुटी नहीं टंका ब्याग छड़ाई नहीं द्रुत गति आरोली छक आड़ पलाई जाइथिबा सूचना देइछंती से। उपस्थित किछि युवक लुटेरा पिछा करी मध्य सेमानकु ठाब करि पारनथिले। परे पुलिस पीसीआर आसी लुट शिकार शिक्षकों थाना को आनी एने अधिक तदंत चलाइछि। लुट शिक्षकों निज घर बस्ता थाना पठानपाटना ग्रामर होइथिबा बेले से भद्रक जगन्नाथपुर न्यू कॉलोनी अंचल रहुथिबा जनापड़िछि। सहरर मुख्य अप्रीति बिंधा छक निकटरे 24 घंटिया पुलिस और ट्राफिक व्यवस्था थिबा बेले साधारण लोकों ठारु दुर्वृत्त 12 लाख टंका लूट करिबा घटना सहररे विपर्यस्त परिस्थिति आईन श्रृंखला परिस्थिति विपर्यस्त होइछि सेतिप्रति अंगुली निर्देश करुछि एवं लोकों भितरे वर्तमान असंतोष भी देखा देउछि। मु 12 लाख टंका आज बैंक रु उठेली उठेला परे मु आसीकी जस्ट ए बाटे से चा दुकान साइड देखि ठिया कि आसुची सेणु से माने तलाडू अपरतबिन नाडू आसी मो बैग टा इमि गळे कि रखते झिंकी कि टाणी नै पळेले हां ना एमि धरथिली मु सेआडू आसले आळू से लुकडा पैसा धरि कि जाउथले दाम बाइक रे बसिया पई से 220 पल्सर रे आसीकी तांको बदे आगुरु फॉलो करीथिले से सडन दाम पछाडू बसथिले जे बाइक रे तांगा पैसा बैगटा नहीं कि बहुत स्पीड रे पल गले आरड़ी छक आड़े आम भी बहुत लोक थिलु तांगा पछरे गुड़े गलु आरड़ी छक जाए गलु तथा पाइलुनि तार पीसीआर को फोन करथिलु। संपर्क में अधिक सूचना आम सहित रही प्रतिनिधि भद्रकु तपन स्वयं फोनलाइन अच्छा तपन कि जना पड़ा दुर्वृत्तों संपर्क में जो मैंने टंका ब्याग छड़ाई नहीं फेरार होपन देखु आज जो मध्यान जो शिक्षकों ठार जो 12 लाख टंका लुट होती भद्रक स्टेट बैंक निकट तो अपरजिमा छक 12 लाख टंका लुट होती दुई जन पल्सर गाड़ी में दुई जन दुर्वृत्त आसी जोर जबरदस्त करी हाथ रु टाणी नहीं आरड़ी लाइन आखंडमणि लाइन आड़क पलिजाइले जहाक नहीं कि शिक्षक से स्थानीय लोक मैंने तार पिछा मध्य करते तार कौन जो प्रत्यक्षदर्शी कह अनुसार कौन खोज खबर पाइन दीर्घ प्राय 10 किलोमीटर पर्यंत पिछा करते सी बारिकपुर कतु सी नेशनल हाईवे कड़े पड़ते यह संपर्क में घटनास्थल में भद्रक टाउन पुलिस पहुंचे और संपुक्त शिक्षक को गाड़ी में बसईक आरड़ी छक नेशनल हाईवे जाने पुलिस पक्षर विभिन्न थाना को यह संपर्क में खबर दिखाई विभिन्न जो बोर्डर अच्छी आपणकर भद्रक सीमा बोर्डर जो आखुआबदा जाजपुर जिला को अच्छी विभिन्न बोर्डर को सिल कर दिखाई विभिन्न थाना मध्यम करतम सुधा कौन दुर्बृत बर्तमान धरा पड़ना पुलिस पक्षर छानबीन चलती तपन निश्चित भाव में बहुत बहुत धन्यवाद तपन आपंकर समस्त सूचना पर प्रतिनिधि भद्रकु अधिक सूचना देते जो पुलिस वर्तमान छानबीन जारी रखी लुट्र शिकार होता लोकों ठारु से संपर्क जानापी तथ्य नहीं पुलिस और जो मैंने लुट्र पूरा योजना को घटाई से खोलताड़ धरने विभिन्न स्थान में सीसीटीवी फुटेज को मध्य चेकिंग करा जाउची एवं पुलिस आशा करुची जे यथाशीघ्र दुर्वृत्त को धरी नेबे।
ଆଜି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଧାନର ଏମ୍ଏସ୍ପି ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଘେରିଲା ବିଜେଡି। ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ 100 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛି ବିଜେଡି। ଧାନର ଏମ୍ଏସ୍ପି ମୂଲ୍ୟ 2930 ଟଙ୍କା କରିବାକୁ ବିଧାନସଭାରେ ପାରିତ ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ସବୁ ଦଳର ସମ୍ମତି ସତ୍ତ୍ୱେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏମ୍ଏସ୍ପି ବୃଦ୍ଧି କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର। ଧାନର ଏମ୍ଏସ୍ପି ମୂଲ୍ୟ 2930 ଟଙ୍କା କରାଯାଉ ବୋଲି ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ 5ଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସସ୍ମିତ। ସ୍ୱାମୀନାଥନ କମିଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏମ୍ଏସ୍ପି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ, ଉଷୁନା ଚାଉଳ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ବଳକା ଉଷୁନା ଚାଉଳକୁ କେନ୍ଦ୍ର ନେଉନାହିଁ, ଏଫ୍ସିଆଇ ଜରିଆରେ ବଳକା ଉଷୁନା ଚାଉଳ ନେବାର ନିୟମ ରହିଛି। 13 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ବଳକା ଉଷୁନା ଚାଉଳ ପଡ଼ି ରହିଛି, କେନ୍ଦ୍ର କିଣୁନି। ସେହିପରି ଚାଷ ଓ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଳୁଥିବା ସବ୍ସିଡିକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ବକେୟା ସବ୍ସିଡି ବାବଦ 10,334 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇନାହିଁ କେନ୍ଦ୍ର। ବକେୟା ପ୍ରାପ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଦେଉନଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଋଣ କରୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସସ୍ମିତ। ଯେ ସ୍ୱାମୀନାଥନ କମିଶନଙ୍କର ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟରେ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟ 1.5 ଗୁଣା କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍, ଯେଉଁଟା ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ, ତାର 1.5 ଗୁଣର ଫିକ୍ସ କରାଯାଉ, ଅବିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରିନାହାନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି 1.5 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ A2+FLର ଯେଉଁ ରେଟ୍ଟା ରହିଛି ସେଥିରେ କରିଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଏମ୍ଏସ୍ ସ୍ୱାମୀନାଥନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ କି 1.5 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି C2 value ଉପରେ ହେଉ, ସେଇଟା ହେଇନାହିଁ। ଯେ ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟ MSP 2930 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କରାଯାଉ, ଏହାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିଧାୟକମାନେ, କଂଗ୍ରେସର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକମାନେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ, ସର୍ବସମ୍ମତିରେ ପାରିତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅବିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନାହିଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ମାସେ ତଳେ ଲେଖିଥିଲେ ଚିଠି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେଉଁ 13 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ର ବଳକା ଚାଉଳ ରହିଯାଉଛି, ଏଇଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ଏଫ୍ସିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପେଣ୍ଡିଂ ଫୁଡ୍ ସବ୍ସିଡି ରହିଯାଇଛି, ଯେଉଁ ବକେୟା ରହିଯାଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ 1 ମାସ ତଳେ ଏ ବିଷୟରେ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ, ପାଖାପାଖି 10,334 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆମର ସବ୍ସିଡି ଯେଉଁ ପ୍ରାପ୍ୟ ରହିଛି, ଡ୍ୟୁ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର, ସେଇଟା ଅବିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯେଉଁ ସବ୍ସିଡି ଅଛି ସେ ସବ୍ସିଡିକୁ ଉଚିତ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେହି ସବ୍ସିଡି ଯେହେତୁ ପାଇନଥାଉ, ଆମକୁ ବରୋଇଂ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ନେବାକୁ ପଡ଼େ, ଋଣ ନେଇକରି ଆମେ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରିମ୍ବର୍ସ ହେଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ନେଇଥାଉ ଋଣ ରହିଥାଏ, ଏ ଆଡିସନାଲ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟଟା 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2022 ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ 5,452 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଛି। ଏଇଟା କାହିଁକି ଅଛି? କାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯଦି ଉଚିତ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସବ୍ସିଡି ପଇସା ଦେଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଅଲଗା ଜାଗାରୁ ପଇସା।